महिला बना रही थी किचन में खाना, तभी आ गया तेंदू, तेंदुआ घर में घुस गया और मचा दिया हंगामा। दरअसल घायल खेमराज ने बताया है कि हम चार लोग घर पर खड़े थे, भगवान ने बचा लिया हमें, नहीं तो तेंदुआ हमारी पत्नी और मुझे बच्चों को खा जाता। हालांकि सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम तेंदुओं को पकड़ने पहुंच गई और तेंदुओं को पकड़ा। दरअसल ये बात है इंदौर की, जब एक तेंदुआ घर में घुस गया और एक ही परिवार के चार सहित लोगों को, कुल पांच लोगों को घायल कर दिया। अच्छी बात है कि कड़ी मेहनत के बाद तेंदुओं को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। दरअसल तेंदुओं ने तेजाई इलाके में फार्म हाउस और गेहूं के खेत में निकलते हुए निवाड़ो क्षेत्र में लोगों को घायल कर दिया, जिसमें नन्हे बच्चे सहित एक ही परिवार के चार लोग शामिल हैं। महिला में किचन खाना बना रही थी, किचन में पति ना रहे थे और अचानक तेंदुआ घर के पीछे के रास्ते से घुस गया। महिला घबराकर भागती हुई तेंदुए के पीछे से वार करने लगी और तेंदुए ने दांतों से घायल कर दिया। जब पति ने आवाज़ सुनी तो वह बाथरूम से बाहर निकला और तेंदुओं को भगाया। उस समय उनके दो छोटे बच्चे भी घर में मौजूद थे। दिन भर उससे लड़ते रहे और काफ़ी मशक्कत के बाद भी वह हाथ नहीं आया। रात में पिंजरे भी लगाए गए थे, जाल बिछाने के बाद वह तेंदुआ हाथ आया। इसके बाद तेंदुआ एक रिहायशी इलाके में निर्माणाधीन इमारत में जाकर छिप गया। वहाँ वन विभाग के कर्मी उसे बेहोश करने का प्रयास कर रहे थे। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को बेहोश करके पिंजरे में लाया गया। तेंदुए के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। इस दर्दनाक घटना का वीडियो भी वायरल हो गया है। तेंदुओं को पकड़े जाने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। देखते रहें MST हिंदी न्यूज़, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।